अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक आइसक्रीम जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। मैंगो आइसक्रीम है यहाँ पर, और ये भी आप रमजान शरीफ में बना सकते हैं। रोजा खोलने के बाद थोड़ा आइसक्रीम खा लीजिएगा। तो ये है कि चीजें बहुत सिंपल हैं आपके सामने है। क्रीम चाहिए आपको, हमेशा आपको टिप दी कि क्रीम हमेशा ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए मैंगो का पल्प जो आपको कैन में मिल जाता है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश मैंगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज परेशान मत होइएगा। उसमें सिर्फ अपने यही करना है कि छिलका उतारना है, बीच में उसका बीज रिमूव करके, जो उसका फ्लैश है बेसिकली मैंगो जो है उसको आपने ग्राइंड कर उसकी प्यूरी बना लेनी है। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आपको चाहिए स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। तो ये होगी तीन चीज़ें, बीच में आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना कैसे। क्रीम को इतना बीट करना है कि ये डबल द वॉल्यूम में हो जाएगी और इसके स्टिफ पीक्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो उसको अच्छे से पहले बीट करते हैं और आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, क्रीम परफेक्टली हमारी यहाँ पर बीट हो चुकी है। वही जो आपको हमेशा टिप्स दिए उसका गौर कीजिएगा। क्रीम ठंडी होनी चाहिए, मौसम गर्म हो चुका है पाकिस्तान में और इंडिया में, ऑब्वियसली लंडन में अभी भी अच्छा मौसम है। तो आप क्या करेंगे, आपको हमेशा बताया बोल ठंडा होना चाहिए, चिल्ड क्रीम ठंडी होनी चाहिए, और इवन जो आपके बीटर के हुक्स होते हैं वो भी आप फ्रीजर में रखें ताकि तमाम चीज़ें ठंडी हों। ठीक है, ये काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो मैंगो का पल्प है उसमें आप डालेंगे ये कंडेंस्ड मिल्क स्वीटन, और अच्छी तरह इसको आप बीट करेंगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। ये देखने अच्छे से मिक्स हो गई। उसके बाद अब आप इसको क्रीम के मिक्सचर में ऐड करेंगे और दोबारा आपने इसको बीट करना है। ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, हाई स्पीड पर रखें, इतना बीट कर लें कि दोनों चीज़ें अच्छे परफेक्ट से जो हैं तीनों चीज़ें इनफैक्ट मिक्सअप हो जाए। ये देख लें, परफेक्टली ये चीज़ें कंबाइन हो गई। अब आप इसे उठा करके किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल लीजिएगा। आइसक्रीम डाल लेने के बाद इसके ऊपर आप डालेंगे क्लिंग फिल। ये मैं आपको यहाँ पर टिप दे रही हूँ। इसकी वजह से होता है कि आइसक्रीम जो है उसमें क्रिस्टलाइज ये नहीं होगी। इंशाल्लाह ऊपर डालने के बाद हल्का सा आप दबाव देंगे और आइसक्रीम के साथ आपने इसको जो है इस तरीके से करना है कि स्टिक्स ऑन द टॉप यू। ठीक है, ये इसके ऊपर चला गया। ये देख लें, आइसक्रीम के बिल्कुल साथ साथ मैंने इसको लगा दी है। इसे अब आप करेंगे कवर और फ्रीजर में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट जब ये आइसक्रीम प्रॉपरली हमारी जो है फ्रोजन हो जाएगी। इसे ओवरनाइट हमने रखा था फ्रीजर में, अब इसे जो है हम खोल लेते हैं और जो इसके ऊपर हमने क्लिंग फिल लगाई ये रिमूव कर दीजिएगा। ये आपको मैंने टिप बता दिया हुआ कि इसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है आपकी आइसक्रीम में। और देखिए, आजकल वैसे भी गर्मी है, आप इसे बाहर निकालेंगे 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, सर्व करने का आसान तरीका एक और ही होता है कि एक ग्लास में आप गर्म पानी डाल लीजिएगा। उसमें ये होता है कि जो स्कूप है वो अच्छा सा वार्म हो जाता है और आपके लिए आसानी हो जाती है इसको स्कूप आउट करना। कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा या टिश्यू से, और इसे जो है अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख लें कितनी सॉफ्ट है, इसको मैं स्कूप आउट कर रही हूँ। तो ये रही आपकी मैंगो आइसक्रीम। आप इसको सर्व कर सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे थोड़े से नट्स डाल लें, थोड़ा सा कैन का फ्रूट होता है क्रीम, कम्प्लीटली योर चॉइस। रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज cookwithfaiza.net पर, जरूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।